हमारे वालदे ग्रामी की लिखी हुई नाते पाक तकरीबन मेरे ख्याल से 40 से 45 साल पुराना कलाम है। मैं उस कलाम को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे अहबाब बाएं साइड बैठे हुए दुआओं का तालिब हूँ। एक मतला और एक शेर बतौर खास पेश करता हूँ, लहजा फरमा ले। जिसे चेका तो सितो मैं ना हमारे सैफ रजा साहब, इमरान भाई, शब्बू भाई की मोहब्बत है, लेकिन अभी तक जहीर भाई ने जियारत नहीं करवाई, पता नहीं कहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। मैं एक मतला दो तीन शेर हुक्म की तामीर करते हुए मैं शेर पेश करता हूँ। मुझे फरमाइश हुई, फरमाइश अगर मैं पूरी करूँगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन फरमाइश का मैं बहुत बड़ा कायल हूँ। आफ्ताब भाई, एक मतला दो शेर फरमाइश के मुताबिक मुझे जितनी देर तक पढ़ना होगा इशारा कर दीजिएगा, बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं अगर मजमा अच्छा मिल गया तो मैं कुछ देर तक नबी की नात पढ़ूंगा, माजरत के साथ। समाप्त करें। जिक्र थोड़ा माइक और ठीक कर दो मेरे भाई, इको दे दो। जिक्र नबी जो कहते हैं, जिक्र खुदा के साथ। आपने महफिल रसूल का इनकार किया, इसका सिला आपको क्या मिलेगा? मिसरे जिक्र नबी जो कहते हैं, जिक्र खुदा के साथ, अरे महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफा के साथ। जिक्र नबी जो कहते हैं, जिक्र खुदा के साथ। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा जिंदाबाद। अभी तो शुरुआत, बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बंदा तो मुस्कुरा के ये सरकार ने कहा। रोशनी में पढ़ रहा हूँ फैजान भाई, आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। पलटा तो मुस्कुरा के ये सरकार ने कहा, अरे सूरज की तो सती हाली मुर्तजा के साथ। जिक्र जो कहते हैं जिक्र खुदा के साथ। बहुत अच्छा भाई, जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र खुदा के साथ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप बोलते हो तो मुझे ताकत से मिलती है, और ऐसा किया भी करें ताकि मुझे ताकत मिला करे। कुर्बानी हो गया जो आले रसूल पर, कुर्बान हो गया है जो आले रसूल पर। अरे कुर्बानी हो गया है जो आले रसूल पर, अरे जन्नत में वो रहे के शह करबला के साथ। जिक्र तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। और एक शेर मुलाहजा फरमा लें, आखिरी शेर पेश कर देता हूँ। मोहतरम, मैं जब तक दुनिया में जिंदा रहूं
मैं यकीनन करना क्या चाहता हूँ, मेरा एक शेर सुन लो, आप लोग समझ जाएंगे। जहीर भाई शेर सुने, ज़ियारत हो गई आपको। है आरज़ू की नात नबी उमर भर पढ़े, है आरज़ू की नात नबी उमर भर पढ़े, अरे ताकि हमारा हश्र के साथ जिक्र नबी जो करते हैं, जिक्र खुदा के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार और प्रॉपर मधुरद पाक पढ़ लें, पढ़े अल्लाहु मसल्ला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारी मुसल्लिम सलातो व सलाम अलैहि से अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। मैं एक मतला और एक शेर मैं बहुत तेजी के साथ पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा लें। हुज़ूर तेजी के साथ हमारे वालिदे ग्रामी की लिखी हुई नाते पाक तकरीबन मेरे ख्याल से 40 से 45 साल पुराना कलाम है। मैं उस कलाम को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे अहबाब बाएं साइड बैठे हुए दुआओं का तालिब हूँ। एक मतला और एक शेर बतौर खास पेश करता हूँ, लहजा फरमा लें। कि जिस जगह तो सितो मैना भी है जीने की तरह, अरे जिस जगह तो सितो मैना जगह तो मरना भी है जीने की तरह, अरे हो कोई शहर तुने आओ मदीने की तरह, हो कोई शहर तुने आओ मदीने। जिस जगह दोस्तो मरना भी है जीने की तरह, अरे हो कोई शहर तुले आओ मदीने की तरह। और एक शेर हैदराबाद वालों, एक शेर और पहुंचाता हूं आप तक कि दुनिया की तमाम खुशबू एक तरफ रख दो, मेरे आका के पसीने की खुशबू एक तरफ रख दो। अब शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। गुले बेला से चले अरे गुले बेला से चले मुश्ते खुदन तक पहुंचे, अरे कोई खुशबू नहीं पसीने की तरह, कोई खुशबू नहीं आका के पसीने की तरह। भाई वाह वाह वाह, कोई खुशबू नहीं आका के पसीने की तरह। अच्छा एक शेर में और पेश करता हूँ, एक जिम्मेदार स्टेज के हवाले से एक जिम्मेदार शेर पहुंचा रहा हूँ। अगर शेर में सदाकत होगी तो दुआएं दीजिएगा। देखिए इस शेर में मैंने किसी को ललकारा है। अब शेर सुने जाए भाई, किसी को ललकारा है और यकीनन बेहुर्मती के साथ मैं उसको जूता मारूंगा। मेरा शेर सुनो, पहले शेर सुनो, मचल जाओगे। अरे यूं तो गुस्ता खो जमाने में बहुत है, हम मगर कोई नहीं रुशदी कमीने की तरह, हम
गए कोई नहीं रुशदी कमीने की तरह हो कोई शेरे तुने आओ मदीने की तरह। एक बार और पूरा मनमा दुर्दे पाक पढ़ ले। अरे चचा मोहतरम ऐसे जी आए रहो बस। हाँ जी लाए रखो ऐसे मुझे आप मदीना जाइबो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ूंगा मैं एक मतला एक शेर और बिल्कुल ताजा पढ़ रहा हूँ तवज्जो के साथ मुलाजा फरमाए। ए चाय वाले चाय पिला के यहाँ से पीछे चले जाओ। जानते हो कि एक चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब किया। आप आए मजमे रसूल को मतलब बदनाम करे पूरा खराब मत करो माहौल जाओ यहाँ से जल्दी के साथ शेर बोलना पड़ता है। हाजिर है आप लोग शेर सुनो। ये जमाना समझे अरे ये जमाना समझे ताहे दराज से अरे ये जमाना समझे ताहे दराज से उसको हीरा समझ कर उठा लाऊंगा। ये जमाना समझे ताहे दराज से उसको हीरा समझ कर उठा लाऊंगा। ये जमाना समझे जे जमाना से जो छू गया मेरे आका के कदम से जो छू गया ऐसे पत्थर को सर पे उठा लाऊंगा मेरे आका के कदम। बहुत अच्छा नारे तकबीर नारे रिसालत उर्से मुकद्दस मेरे आका के कदम से जो छू गया ऐसे पत्थर को सर पे उठा लाऊंगा। ये जमाना समझे बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और पहुंचाता हूँ उसके बाद दादा की फरमाइश है मैं मदीना पहुंचा दूंगा आपको इंशाल्लाह। तसव्वुर की आलम में शेर मुलाजा फरमा। एक शेर और पढ़ता हूँ बतौर खास। कीजिए रहमतों का समंदर उठा लाऊंगा। ये जमाना समझे ताहे दराज से उसको हीरा समझ के उठा लाऊंगा। अब बैठे रहे आप लोग। आप लोग छोटे हो मुझे तो ताज्जुब है कि रात को लगभग एक रात हो गए आप लोग को नींद नहीं आ रही। इस उम्र में बहुत जल्दी नींद आती है ये मोहब्बत है
रहमत नूर की बारिश हो रही है, जमा जमा नहा रहे हो इसलिए नींद नहीं आ रही है ना, माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे आप सबको। अरे जियरा कहला बोले आगे चले आओ नहीं लाए क्या आप। अरे जियरा कहला बार बार हम मदीना जइबे, जियरा कहला बार बार हम मदीना जइबे। अरे जहिया बोलई है सरकार हम मदीना जइबे, जहिया बोलई है सरकार हम मदीना जइबे, जहिया बोलई है सरकार हम मदीना जइबे। ले बेटा बड़ा नेक काम कर रहे हैं लोग, मेरा पैसा एक भी इधर उधर नहीं जाने देते, वरना इतनी हवाएं चल रही है पैसा इधर उधर भी हो जाता है कि नहीं। मदीना जी को चाचा इससे बड़ी वाली नोट दीजिए आप, इससे बड़ी वाली नोट आपकी पॉकेट में आए। अरे ना चाहे रुपया पैसा ना हीरा मोतिया आ बढ़ा दो हमरे ऐसा फैला के दोगे हाथ में नहीं आएगा। अरे साहब भाई की मोहब्बत एक बंद और मुलाहजा फरमा ले। एक गरीब आशिक रसूल जब कभी जिंदगी में एक बार दो बार मदीना मुनव्वरा की तरफ जाता है मोहतरम, तो उसकी कैफियत ही कुछ अलग होती है। लेकिन एक गरीब आशिक रसूल जो उनको भेजने जाता है, भेजने के बाद जब वापस आता है फिर उसकी कैफियत क्या होती है, मुलाहजा फरमाएं कि जे तुम्हारे द्वारे जाले जबो थान बनावा कुहु के करे जा मोरा माँ के हवाले से कुछ शेर पढ़ दूं, इंशाल्लाह मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन एक बार और पूरा मजमा दुरूदे पाक पढ़ ले ताकि मैं कुछ शेर माँ के हवाले से पेश कर दूं, क्योंकि जिस पढ़े पढ़े आप लोग सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैकी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुकून पाचा ए मेरा दिल सरापा देख लेता हूँ। हमारे सहे भाई ने माँ के ताल्लुक से कहा कुछ शेर पढ़ दीजिए, इसलिए मैं मोहब्बत के साथ एक दो शेर आपके हवाले कर देता हूँ। सुकून पाचा ए मेरा दिल सरापा देख लेता हूँ, सुकून पाचा ए मेरा दिल सरापा देख लेता हूँ, सुकून पाचा मेरा दिल सरापा देख लेता हूँ।
तसव्वुर में जब अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ, तसव्वुर में जब अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ, तसव्वुर में जब अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ, तसव्वुर में जब अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ। एक शेर और, छुपा लेती है आके आज भी वो अपने आंचल में, छुपा लेती है आके आज भी वो अपने आंचल में, मैं अक्सर ख्वाब में भी माँ की ममता देख लेता हूँ, मैं अक्सर ख्वाब में भी माँ की ममता देख लेता हूँ, तसव्वुर में जब अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ, तसव्वुर में। बहुत अच्छा भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मेरा दावा है जिसके सीने में दिल होगा यकीनन रोएगा ये शेर सुनने के बाद। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती मौत की आगोश में जब थके सो जाती है माँ, तब कहीं जाके सो थोड़ा सा पा जाती है माँ, मौत की आगोश में जब सो जाती है माँ। इसमें छह या सात शेर है लेकिन एक शेर और पढ़ देता हूँ। प्यार कहते हैं किसे और माँ क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और पूछे जिसकी मर जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थके सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थके